अमु हाँ तूने तोहफा खरीदा फिर से खर्चा किया ना तूने भवानी अरे आज इतना खुशीदा मौका है आज तो अमु का जो मन करे करने दे और नहीं तो क्या दोबारा करूं ये दो खास घड़ियां उन दो खास लोगों के लिए जिन्होंने बुरे से बुरे वक्त में भी हमें अच्छा वक्त ही दिखाया हंस मत अबे पकड़ हाँ। आई देख ये तो सच है कि तू हम दोनों पे बहुत सख्ती करती है लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि तेरी डांट जो सबक सिखाती है ना दुनिया की सारी किताबें भी नहीं सिखा सकती और ये नंबर वन घड़ी मेरे नंबर वन बाबा के लिए क्योंकि वो मेरे हीरो हैं लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है लेकिन मेरे बाबा का प्यार वक्त भी नहीं बदल पाया अभी हमेशा प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच बाबा और मेरे लिए चमक और जहान आंटी आपके लिए मेरे पास कुछ नहीं है आपकी स्टाइल की चप्पी के अलावा थैंक यू सो मच कि आपने इस टेरेस पार्टी की परमिशन ली और सब कुछ अच्छे से हो पाया वरना उन क्लाइंट्स ने तो मेरा दिन ही खराब कर दिया ए छोड़ ए मिट्टी पाओ वैसे ना इनकी बातें करना बंद करो अरे बार बार थोड़ी ना मिलना है तुम्हें उनसे है थैंक गॉड मैं तो जिंदगी भर उन आहूजा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती लो क्लास बिल्डिंग हमारी फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के साथ क्यों है ये मुंबई के ना यही प्रॉब्लम है हमारे दिल्ली में सबकी अपनी कोठी होती है मॉम छोड़ो ना वैसे भी हमें इस बिल्डिंग से क्या लेना देना हमारा घर तो इस नई बिल्डिंग में है ना टॉप फ्लोर पे ब्रांड न्यू और वो भी टेरेस के साथ चलो गाइस नई बिल्डिंग के साथ एक सेल्फी हो जाए बादल बिजली तितली जुगनू कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा तेरा हुस्न है जैसा मेरी निगाह ने वाह ये कैसा ख्वाब ये गाना हमारे स्वागत के लिए बज रहा है डैड हमारा नहीं पता पर आपके स्वागत के लिए जरूर है आपके जमाने का भी है थोड़ा बुड्ढो वाला तो बुड्ढा होगा तेरा क्यों अरे अरे घबराइए मत आप चिटनेस परिवार के फंक्शन में आए हैं धूम धड़ाका बहुत सारा ड्रामा सब होगा लेकिन पहले मुद्दे की बात तो कर ले आज के हमारे हीरो और हीरोइन को विश तो कर ले हर्षा हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी उन दोनों को जो 30 साल पहले खूबसूरत दुनिया बसाने के लिए एक साथ आए और ये दोनों साथ आए सिर्फ जीवन साथ बिताने के लिए नहीं बल्कि सही मायनों में हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए एक्चुअली मेरे आई बाबा ने ना अपने जीवन में बहुत दुख देखे लेकिन कभी भी उन्होंने एक दूसरे के लिए प्यार नहीं कम होने दिया इनफैक्ट बढ़ते वक्त के साथ इनका प्यार और बढ़ता चला गया और पता है क्यों क्योंकि मेरे आई बाबा ने ना रिश्तों का सीक्रेट क्रैक कर लिया रिश्ते जीवन भर कैसे निभाना है वो इन लोगों को समझ में आ गया समझ गए हैं कि दो लोगों का आपस में जुड़ना शायद उन दोनों के हाथ में नहीं लेकिन जीवन भर एक साथ जुड़े रहना वो उन दोनों के हाथ में है और वो डिपेंड करता है पति और पत्नी के आपस के प्यार और विश्वास पर
और मेरे आई बाबा सिर्फ एक दूसरे से नहीं, मुझसे और कभी कभी इस निकलने से भी प्यार कर लेते हैं। और मैं जानती हूँ कि हर आई बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे आई बाबा थोड़े थोड़े ज्यादा खास हैं, क्योंकि उनके प्यार जताने का तरीका बहुत खास है। जब मैंने डिसाइड किया था ना कि मैं एमबीए करूंगी, तो मेरा कॉलेज ना चर्च गेट में था, और मेरे आई बाबा ऐसे परेशान हो रहे थे जैसे मैं दूसरे देश जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। और जिस दिन फर्स्ट डे मैं कॉलेज से वापस आ रही थी ना, मेरे बाबा ने घंटों तक बांद्रा स्टेशन पे मेरा इंतजार किया था। आई तुझे याद है मेरी माटुंगा वाली पहली नौकरी? अरे यहाँ से आने में देर होती थी मुझे, पता है मेरे बाबा ने क्या किया था? सड़क के पार जो वो साड़ी की दुकान है, उन्होंने दुकानदार से कहा था कि महीने के आखिरी दो दिन ना दुकान बंद करने के बाद लाइट ऑन छोड़ दे, क्योंकि वो दो दिन ना मेरे बाबा को ऑफिस से आने में देर हो जाती थी और मेरे बस स्टॉप पे बहुत अंधेरा था। आई तुझे लगता था ना कि बाबा को फिक्र ही नहीं है मैं इतनी देर से आती हूँ, उन्हें फिक्र थी बस जताना नहीं आता था। जताते तो पता चल जाता ना कि असल में बाबा कैसे हैं। बट ऐसे ही मेरे बाबा, और आप सब कुछ शिकायत रहती होगी ना कि मैं जिद्दी हूँ, बिगड़ी हूँ, ये सब मेरे बाबा की गलती है। मेरे किसी सपने को ज्यादा देर तक सपना नहीं रहने देते मेरे बाबा, जादूगर है मेरे बाबा, सपनों को चुटकी में सच करते हैं। आई ज्यादा फ्री मत हो। हर्षा बताए आई को कितनी स्पेशल है वो। चल शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले मैं दो काम करूंगी। क्या? ये जो जंगलियों की तरह शोर कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी। शाबाश। और बिल्डिंग की सेक्रेटरी को बोलूंगी कि फौरन हमारे बिल्डिंग के बगल में एक लंबी सी दीवार खड़ी कर दे, ताकि लो क्लास लोगों का मुंह हमें देखना ना पड़े। दीदी धीरे बोलो, अगर ये पड़ोस वाली बिल्डिंग की औरतें खतरनाक हुई तो दो दो हाथ हो जाएंगे। और की पता है पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान से ट्रेन में मैं अकेली बैठ के आई थी, मेरे से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता। सही बात है, आओ अंदर चलो। पता है
आगे जाओ। ए नहीं 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 यहाँ नहीं, वो सीढ़ियों के पीछे एक वॉशरूम है, वहाँ जा। ए हर्ष जा लेके जाना इसको। क्या यार अब बच्चों का सुसु पॉटी भी मैं संभालूं क्या? हाँ और नहीं तो क्या, जा लेके जा। हाँ काम खत्म करके मैं तुमसे मिलूं। हाँ मैं पास ही में हूँ। ओके ओके बाय। वेलकम टू योर न्यू होम। यू ओ माय गॉड गुड जॉब इशिका। वाह भाई आपकी चॉइस का तो सच में कोई जवाब नहीं। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये सब करना आपके लिए कितना टफ रहा होगा। पहले तो ऑनलाइन बैठकर इशिका के साथ ये सब सिलेक्ट करना और इसको खरीदने के लिए दुनिया भर घूमना। ये सारा क्रेडिट इशिका को जाता है। नो नो चल कमरे देखते हैं। पवाडी तुम ना आज घर जाकर खुद की और अम्मू की नजर उतार लेना। क्यों? अरे कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी वो तेरे लिए, मेरा तो दिल भर आया। आप जाके बनाइए ना। मेरा भी जहान अम्मू मुझसे प्यार करती है लेकिन वो कहते हैं ना माँ से ज्यादा बाबा की लाडली होती है। अम्मू का भी वैसे ही है, मुझसे ज्यादा बाबा से प्यार है। पानी मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे गौतम को अपनी अम्मू पसंद आ गई है। सच? तेरा प्लान काम कर गया गणपति बप्पा, मतलब ये पार्टी सफल हो गई। मुझे पता है वहाँ क्या बातें चल रही हैं। क्या? तेरी आई पे भूत सवार है तेरी शादी का। वैसे गौतम ठीक ठाक लड़का लगता मुझे, समझदार दिखते। तेरी अगर हाँ होना तो इस बार ना मत करना बेटा। बाबा कर लेना। अब मैं एक फोन लेके आता हूँ। ये बच्चे कहाँ से आ गए? शिका ये बच्चे तुम्हारे हैं? Ew, no, बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? भागो, भागो। Let's just... ये आवाज कहाँ से आ रही है? पड़ोसी इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? पता नहीं मिसेस आहूजा, मैं तो घर रेडी करने में बिजी थी, छत पे देखा नहीं क्योंकि वहाँ सब पहले से ही रेडी था। दादा ये वहाँ दे आएंगे? थैंक यू। क्या हुआ? फुगड़ी खेलना तो हमारा ट्रेडिशन, ऐसे कैसे टूट सकता है? ट्रेडिशन है ना? हाँ। तो टूटेगा नहीं। चल मैं बताती हूँ क्या करना है। हाँ। I'll check, I'll... अरे देखो चकोरी का जो घिर गया देखो टाका जी, अरे टाका जी। भाई घर वालों की पार्टी हो गई मूड में आ गए देखो काका जी, अरे काका जी। क्या हो मिली है जोड़ी पर शर्मीली है थोड़ी, ये चिंता जैसे भाभी पूछो मिली कैसे भाई। अरे लाया कहां से राजा बेटी सी दुल्हनिया राजा ब्रिटिश दुल्हनिया।
कह रहा है? How dare they? मैं अभी इन्हें बाहर फेंक के आती हूँ। अरे मामा मामा, आप कहीं मत जाइए, लेट मी हैंडल दैट। अरे पिताजी ऐसा मत कहिए, ये भी इंसान है, इंजॉय कर रहे हैं, देखो कैसे बेफिक्रे करके डांस कर रहे हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, मेरा जो पंजाबी वर्जन था ना, आहा, आहा। ना, 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 हमारे परिवार में ना कभी कोई ऐसा था ना है। हमारे टेरेस पर कैसे आ गए ये सब? अरे रुको ना, विराट गया ना देखने। अरे इन भिखारियों की हिम्मत कैसे हुई हमारे टेरेस पर नाच गाना करने की? ओ गॉड, कहीं से इन्फेक्शन ना हो जाए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम अमीर हैं तो कहीं भी जाके किसी को भी बेइज्जत कर सकते हैं क्या? ये आपका यॉर्ट नहीं है जहाँ आपकी दादागिरी चलेगी। ये मेरा घर है, मेरा इलाका है, अमृता जय चिट्टिस का इलाका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये बात आपको मुझसे नहीं, मुझे आपसे पूछनी चाहिए। यहाँ बिन बुलाए मेहमान आप लोग हैं, मैं नहीं। ये मेरे आई बाबा की एनिवर्सरी है, प्राइवेट फंक्शन है हमारा। जो तुम मेरे घर की छत पे सेलिब्रेट कर रहे हो, मेरी प्राइवेट टेरेस पे। क्या? अरे हाँ, अभी इसमें से जिन निकलेगा, तीन तीन विषय पूरी होगी। फेंको फेंको इन गटर छाप लोगों को, यहाँ से बाहर फेंको। What is this nonsense? जान आंटी, यहाँ पार्टी की परमिशन आपने किससे ली थी? किससे ली थी मतलब क्या, खुद से ली थी? है तो क्या हो गया? ये सारी जमीन ना मेरे पुरखों की है, मेरे ससुर जी ने ना जब यहाँ पे आए थे तब प्रवास हो गए। आंटी ये जमीन बिक्री हो चुकी है और ये टेरेस इनका हमारा नहीं है। मिसेस अहूजा, शट अप मैडम, मुझे नाम से बुलाने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। मिस मैम, आप गलत ट्रैक पे जा रही हैं। हम शट अप
में चलने का काम हमारा नहीं, तुम जैसे लोकल ट्रेन में चलने वालों का है। तुम सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह सफर नहीं करते, अपनी जिंदगी में भी सफर करते हो। एंड आई विल मेक इट श्योर कि ऐसी हर तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में आए। तुमने यॉट पर मेरी पार्टी नहीं बिगाड़ी, अपनी किस्मत बिगाड़ी है। आज के बाद तू जहां भी जाएगी, तेरी बदकिस्मती तुझसे पहले पहुंच जाएगी वहां। और ये सब होगा मेरी मेहरबानी से।